स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिन विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर विभोर पालीवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में 300 प्रतिभागियों में से 150 छात्रों ने शोध पत्र लिखे, जो उल्लेखनीय है। आयोजन सचिव मुकेश कुमार शर्मा ने सभी अतिथियों को 2 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुण सक्सेना ने बताया कि प्रबंधन एक ऐसा विषय है जो सभी स्थानों को लागू किया जा सकता है। कुलपति प्रोफेसर करुण सक्सेना ने IIRF 2023 रैंकिंग द्वारा जारी सूची में 6ठा स्थान प्राप्त करने के लिए वाणिज्य विभाग के डीन प्रोफेसर विभोर पालीवाल को सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अमित जैन कुलपति MT यूनिवर्सिटी ने बताया कि सतत विकास के लिए स्थायी प्रयासों का प्रबंधन के साथ ही संभव है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सदस्य डॉक्टर SN मुदानी ने बताया कि आने वाले समय की जरूरत सतत विकास है, जो कि सबके प्रयास से ही संभव है। सम्मानित अतिथि प्रोफेसर SS भास्कर कुलपति ITM ग्वालियर ने बताया कि संगोष्ठी का विषय समसामयिक स्थिति के लिए अत्यंत जरूरी है। कुल सचिव डॉक्टर राजीव मेहता ने यूनिवर्सिटी के भविष्य रणनीति से सबको अवगत कराया। शोध पत्र स्मारिका का विमोचन सभी अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजक सचिव डॉक्टर सुरभी बिरला ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन नेहा सबरवाल तथा डॉक्टर अजहर शेख ने किया। सम्मेलन के पहले दिन 3 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। प्रथम तकनीकी सत्र संपोषणीय वित्त अर्थशास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के 22 प्रतिभागियों ने शोध पत्रों का वाचन किया। द्वितीय तकनीकी संपोषणीय मानव संसाधन एवं विपणन विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें किस प्रतिभागियों ने शोध पत्रों का वाचन किया। तीसरी तकनीकी सत्र ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें 42 शोध पत्रों का वाचन किया गया। से यूपी से इवन एक बच्ची हमारी जो है वो दुबई से आई है, तो क्योंकि ये लेकिन क्या नाम है बेटा आपका? दर्शना जो है ये दुबई से आई है। ये सारे स्कॉलर्स हमारे जगह जगह से आए हैं और यहाँ बैठे हैं। मेक द पॉलिएस्टर फाइबर एंड यूजिंग इट शर्टिंग व्हाटएवर इट इज, सो इट इज अ पार्ट ऑफ रिसाइक्लिंग। ऑल डीन्स हु आर देयर तथा मनोज कुमार सर अभी मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे getting the resources to make this Sangam University more sustainable in times to come. So, dear friends, my topic of my research, because I used my COVID period because I got registered. Theoretical नहीं है, practical है, और मैंने 1982 में MBA join किया सवाल है। नए निराले अंदाज व ऐतिहासिक रूप में कस्बे वासियों ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ पहली बार यादगार पलों के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया। विश्वविख्यात ज्योतिषी नगर कारोई में माता अंजनी के लाल व मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के परम भक्त हनुमान महाराज के जन्म जन्मोत्सव को ऐतिहासिक रूप देकर यादगार पलों के साथ भगवान में माहौल में हनुमान जी के साथ ही जय श्री राम के नारों की गूंज संग भक्ति भाव से बड़ी हर्षोल्लास के एकजुट होकर ज्योतिष नगरी के कस्बे वासियों द्वारा गुरुवार को हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालकर 56 भोग लगा विशाल भजन संध्या आयोजित कर मनाया गया। कारोई सरपंच भगवतीलाल टेलर ने बताया कि गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित एक शाम बालाजी महाराज के नाम के साथ ही दिन भर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सर्वप्रथम कस्बे में स्थित पुराने राजकीय विद्यालय के पास प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान प्रतिमा को सिंदूर व चमेली के तेल से आकर्षक चौला श्रृंगार धराया गया। इसके बाद हनुमान प्रांगण को भगवा पताका और गुब्बारों के साथ ही फूलमालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया। फिर यहीं से ही प्रातः 8:15 बजे हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो दोपहर 12 बजे पुनः हनुमान मंदिर पहुंची। इसके बाद शोभा यात्रा के हनुमान मंदिर पहुंचने पर दोपहर 12:15 बजे महाआरती कर 56 भोग लगाया जाकर प्रसादी वितरण किया। सरपंच टेलर ने बताया कि हनुमान जी की शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो राम द्वारा होते हुए कुमावतों का मोहल्ला गणेश चौक नीम चौक बैरवा मोहल्ला से पहुना चौराहा खेड़ा कुमावत मोहल्ला 4 बजे मंदिर खेड़ा हनुमान मंदिर से मुख्य बस स्टैंड होकर पुनः पहुना चौराहे से 56 भोग के आयोजक मनोहर लाल सोनी के घर के पार होते हुए मांडेला से पुनः हनुमान मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा का विश्राम हुआ, जिसमें कारोई के समस्त पंडितों व व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख धवल कपड़ों में मारवाड़ी केसरिया साफे बांधे हाथों में भगवा पताके लहराते हुए तो महिलाओं ने लाल चुंदड़ पहनकर भजन की
तन तन नाचते घूमते हुए जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष से ज्योतिषी नगरी कारोई में गुंजायमन करते हुए शोभा यात्रा का भरपूर आनंद लेकर हनुमान जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान कारोई उपनिरीक्षक हसपाल सिंह में दलबल शांति व्यवस्था बनाए रखने के चलते शोभा यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। इन झांकियों गुरुवार रात्रि में बागोर रोड स्थित राजकीय विद्यालय प्रांगण में आयोजित विशाल भजन संध्या के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आए लोक कलाकारों द्वारा चार जीवन झांकियों की, जिनमें हनुमान जी महाराज की झांकी, माता कालिका की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी के साथ ही शिव पार्वती की झांकियां बनाई गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बिंदु होकर भक्तों के मन को मोह गई। राजस्थान प्रवर्तनी साध्वी शिरोमणि पूजनीय श्री यश कंवर की सुशिया पूज्य प्रवर्तनी मौना कंवर के संयम साधना के 53 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उनके प्राणी मात्र के प्रति दया के विचारों को जीवन में अंगीकार करते हुए श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान महिला शाखा ने प्रांतीय अध्यक्ष नीता बाबेल के नेतृत्व में जीव दया के लिए सहयोग के हाथ बढ़ाए। जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय महिला शाखा की ओर से आसीन में भीम रोड स्थित महावीर कामधेनु गौशाला को जीव दया के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। इस आर्थिक सहयोग का उपयोग गौशाला में पल रहे गौवंश की सेवा व चारा पानी के लिए किया जाएगा। गौशाला की आर्थिक सहयोग प्रदान करते समय प्रांतीय अध्यक्ष नीता बाबिल के साथ प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजया देवी डोंगरवाल, उपाध्यक्ष मंजू पोखरना, मंजू कर्णावट, मंत्री इंदिरा चौधरी, प्रचार प्रसार मंत्री शकुंतला खमिसरा, कार्यकारिणी सदस्य आशा कांठेर, अनिता कोठारी, समाजसेवी पूरणमल चौधरी, पारसमल तातेड़ आदि मौजूद थे। सभी ने जीव दया के प्रति संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि पूज्य मौनकंवर मासा के प्रेरक वाणी ने हमेशा जीव दया के लिए प्रेरणादान की प्रदान की है। जैन कॉन्फ्रेंस प्रांतीय महिला शाखा अध्यक्ष नीता बाबेल एवं अन्य पदाधिकारियों ने आसीन में प्रवास कर रहे पूज्य मेवाड़ उप्रवर्तक कोमल मुनि मासा अधिठाना, उप्रवर्तनी विजय प्रभा मासा अधिठाना एवं तेरापन धर्मसंघ के आचार्य माश्रमण मासा की सुशिया साध्वी जसविती मासा अधिठाना के भी पावन दर्शन कर धर्म लाभ एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य संत साध्वी ने जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की समाज सेवी व जीव दया की जा रही गतिविधियों को अनुकरणीय बताते हुए सभी सदस्यों के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। हिंदू युवा वाहिनी के जयपुर मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष केशव अरोरा ने भीलवाड़ा संजय कॉलोनी निवासी सीए रुद्र सुखवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष व अभिनव शर्मा को प्रदेश मंत्री का पदभार दिया। रुद्र पेशे से सीए व अभिनव का गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अध्यक्ष ने बताया कि दोनों युवाओं के हिंदुत्व व सनातन के प्रति प्रेम व संगठन के प्रति निष्ठा देखकर पद दिया गया है। जल्द ही दोनों युवा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे व पूरे प्रदेश में संगठन की ओर मजबूत करेंगे और चर्चा व प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं को संगठन से जोड़ने को प्रेरित करेंगे। मेवाड़ का प्रसिद्ध स्थल छवरा के हनुमान जी के हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर सुराज गांव से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई छवरा के हनुमान जी पहुंची। गाजा बाजा के साथ भी 2 किलोमीटर के एरिया भगवा रंग में रंग गया। जय जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। 2 किलोमीटर का एरिया इत्र गुलाब की वर्षा हुई। रंग बिरंगे फटाके छोड़े गए। जुली शाम को 7 बजे हनुमान मंदिर में पहुंचा। तत्पश्चात पुजारी रोशन वैष्णव ने महाआरती की। प्रहलाद वैष्णव, सावर वैष्णव ने तिलक लच्छा करके भगवा ध्वज को स्थापित किया। छवरा के बालाजी मित्र मंडल के सदस्यों ने बताया कि तो हमारी जुलूस की पहली शुरुआत है। अगली बार जुलूस को भव्य रूप दिया जाएगा।